बहुत खूबसूरत लग रही है, पहली बार ऐसे अलग कुछ लुक लुक में मैं देख रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता और मैं पूजा को रिप्लाई करना चाहूँगी कि हाँ, ये सब लुक मेरा एक्चुअली रिकी मास्टर जी ने डिसाइड किया है। मेरे हेयर स्टाइल से लेके, मेरे कॉस्ट्यूम से लेके, मेरा नथनी से लेके, हर एक चीज़ रिकी सर ने सब डिसाइड किया है। अच्छा, जिस फिल्म के गाने की शूटिंग कर रहे हो कुछ बताना चाहोगे? मैं शेर सिंह मूवी का शूट कर रही हूँ और इसमें सबसे पहला जो आइटम सॉन्ग किया है संभावना दी और पवन जी ने किया है, जो कि बहुत ही गाना वायरल हुआ है और सुपर डुपर हिट है। और मुझे भी एक सुनहरा मौका मिला है कि मैं भी इस फिल्म की पार्ट बनूं और मैं समर्थ जी के साथ मैं ये गाना कर रही हूं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपने अशोक समर्थ जी के साथ एक और फिल्म भी की थी? जी। उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी? वो एक हिंदी इंडस्ट्री से आप बोलो ना, भोजपुरी में शुरुआत की। देखिए, एक जब आपके सामने तीन दिग्गज लोग रहते तो, और मैं स्ट्रगलर थी तो मैं वैसे भी अपने आप को काफ़ी नीचे लो फील करती हूँ और उस टाइम तो काफ़ी शाय थी तो मैं उतना उनसे मिलने नहीं जा पाई, बातचीत उतना हुआ नहीं है, क्योंकि दिनेश जी भी थे आम्रपाली जी भी थी और ये भी थे, तो मैं सिर्फ अपना परफॉर्मेंस किया और फिर मैं चली आई। आज ये मुझे पहचान नहीं पाई क्योंकि पहले से मैं काफ़ी हेल्दी हो गई हूँ, बट अच्छा लगा आज थोड़ा बातचीत हो पाई, बिकॉज आज वो है और मैं हूँ और अच्छा लगता है जब लाइफ में थोड़ा अपग्रेडेशन होता है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा ग्लोरी, जैसे कि डांस शूट कर रहे हो आप, देख रहे हो हम कभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो लड़कियां हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, जो सोचती है कि इतना स्ट्रगल नहीं होता होगा फिल्म इंडस्ट्री? सी, जो स्ट्रगल नहीं कर सकता उसको कुछ नहीं मिल सकता, टू बी फ्रैंक। हर एक इंसान गोल्डन स्पून मुंह में लेके पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो शाहरुख खान, हम लोग शाहरुख खान के बच्चे या सैफ अली खान के बच्चे या आमिर खान के बच्चे नहीं हैं, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वी हैव टू स्ट्रगल। और रहा सवाल स्ट्रगल करने से भी कोई मतलब नहीं, अगर आप में टैलेंट नहीं हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आपको एक्टिंग करना है तो यू हैव टू टेक अ एक्टिंग क्लासेस और यू हैव टू जॉइन द डांस क्लासेस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस, इन रेगुलर बेसिस। तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और ऑडिशन दीजिए, कभी हार मत मानिए, भगवान ने कुछ अच्छा लिख रखा है। अगर आप कहीं पर सिलेक्ट नहीं भी होते हैं तो भी ये निराश मत होइए, क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोग की स्टोरी सबकी लिखी हुई है और लिख के भेजी है। तो बिंदास आइए, बिंदास फाइट कीजिए। और रहा सवाल मेरे एनर्जी का, तो अगर एक मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है बचपन में, अगर मेरी जैसी बंदी जिसका हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर वो इतना डांस कर सकती है, वो वर्कआउट कर सकती है, तो नॉर्मल इंसान लोग, जो नॉर्मल जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन लोगों को तो जी जान लगा देना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जैसे मेरे फैंस मुझे प्यार देते आ रहे हैं, जैसे मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं, प्लीज़ वैसे ही देते रहिए। और मैं चाहती हूँ कि अब मेरे नाम से वो स्ट्रगल वर्ड निकल जाए, स्ट्रगलर वर्ड निकल जाए। अब मैं कमाना भी चाहती हूँ, बहुत हो गया काम, अब मुझे पैसे भी चाहिए, अब मैं काम चाहती हूँ। एंड टच योर शेर सिंह जैसे मूवी में जहाँ पर संभावना दी ने काम किया, मेरी आइडल ने काम किया, तो मुझे खुशी हो रही है कि मैंने भी काम किया, अच्छा लग रहा है, बिग बजट का मूवी है और शायद ऐसे ही फिल्में देख के मुझे बाकी प्रोड्यूसर्स लोग भी काम देते हैं। चलिए, थैंक यू।